ये ग्रामर नहीं आसान दोस्तों, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये शेर जरूर आपने सुना होगा, लेकिन ये शेर में ग्रामर नहीं था, बट मैंने ग्रामर को ऐड किया क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, देर आर मेनी पीपल, दे फील ग्रामर इज सो डेंजरस। एंड आई एम टेलिंग यू टुडे, आई एम गोइंग टू टेल यू 5 ग्रामर रूल्स। वैसे ग्रामर के बहुत रूल्स हैं, आप ये मत सोचो कि सारे रूल्स आपको एक ही दिन में पता होने हैं, नॉट नीडेड। ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बात ये है कि इज ग्रामर इम्पॉर्टेंट, द आंसर इज यस। और आज हम बात करेंगे ऐसे 5 रूल्स ऑफ ग्रामर जो आपके इंग्लिश को बेहतर करने में, टू ऑर्गेनाइज योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, दीज 5 रूल्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। आर यू रेडी? लेट्स गो। सो लेट्स स्टार्ट विथ रूल नंबर 1। You all can see rule number 1, and rule number 1 says subject in singular partners with singular verb. दोस्तों, कुछ ऐसे singular noun होते हैं, pronoun होते हैं, और कुछ ऐसे singular verb होते हैं, और ये हमेशा partner करते हैं। Singular subject with singular verb, plural subject with plural verb. Let's see this sentence. He writes a poem. He is a singular subject. एक ही इंसान के बारे में है, write. And writes. Writes का जो verb form है, उसे बोला जाता है present. लेकिन ये होता है present to. Okay? जो सिर्फ he, she के साथ ही आता है. And this is also a singular verb. He singular subject and writes singular verb. Always remember, कोई भी present जो verb उसके साथ अगर s add हो जाए, उसे हम present to कहते हैं, okay? He हो या she हो या किसी भी name के बगल में आप present to को use करते हो। चलिए देखते हैं अगला sentence। Vinay goes to office। Same kind of sentence है। Vinay is a singular subject। और goes, go के साथ s को ऐड करने से क्या हो जाता है, goes हो जाता है, और दोनों सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट इज विनय एंड सिंगुलर वर्ब इज goes। ये चीज अच्छे से समझे, I इज द फर्स्ट पर्सन, यू जो मुझे सुन रहा है, यू इज द सेकेंड पर्सन, और I एंड यू को छोड़ के कोई भी है जो हमारी बातें सुन रहा है वो है थर्ड पर्सन। माई लैपटॉप, अब ये भी एक ही चीज के बारे में बात कर रही है, और वो भी एक थर्ड पर्सन के जैसा, ना आई ना यू के बीच आता है, तो माई लैपटॉप माल फंक्शंस, मतलब काम नहीं कर रहा है। सो क्या किया मैंने, प्रेजेंट के साथ एक एस जोड़ दिया, प्रेजेंट टू कर दिया इसे। सो गाइज, माई लैपटॉप इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट एंड माल फंक्शंस इज अ सिंगुलर वर्ब। So always remember, with singular subject, it is always singular verb. अब चलते हैं rule number 2. Rule number 2 कहता है, subject in plural partners with plural verb. Wow, let's see the sentence. They क्या है? Plural subject है, बहुत सारे हैं. So are जो होता है, हमेशा दिमाग में रखिएगा, are, A-R-E-R. और were, W-E-R-E, word, जो past में होता है, they are plural verb. So, they है plural subject, are है plural verb. Okay, so they are riding a bicycle. Okay, let's see the next sentence. We, always remember, we क्या होता है, plural subject. और are क्या होता है, plural verb. So, we are planning to visit Canada. दोस्तों, अब जो मैं सेंटेंस दिखाने वाला हूं, थोड़ा सा अलग है। देखिए, द सेंटेंस इज, बैट्स फ्लाई ओनली ड्यूरिंग द नाइट। बैट्स, अब आप देखो, सिर्फ बैट होता तो क्या होता, अगर सिर्फ बैट होता तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, और बैट्स होता तो फ्लाईज होता, फ्लाई के साथ एस आई ई एस, राइट। लेकिन यहां पे है बैट्स, मतलब एक से ज्यादा चमगादड़ है। सो इस केस में हम प्रेजेंट वन को यूज करेंगे, फ्लाई, फ्लाईज नहीं। ओके, चलिए देखते हैं, बैट्स प्लूरल है, फ्लाई प्लूरल है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो दोस्तों, कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ये सेंटेंस देखिए, अ विजिटर डैश कम टू सी अस। अब इस ब्लैंक में क्या बैठेगा, हैज बैठेगा
कि हैव बैठेगा। सोचिए इस बात को, हैज या हैव। इजी है, अ विजिटर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज जो है वो है सिंगुलर वर्ब, हैव जो है HAVE वो है प्लूरल वर्ब। सो द आंसर विल बी हैज, अ विजिटर हैज कम टू सी अस। चलिए अब चलते हैं रूल नंबर थ्री। अच्छे से रूल नंबर थ्री को देखिए। इफ टू सिंगुलर नाउन्स जॉइन विद एंड बट देर इज ईच एंड एवरी बिफोर द नाउन, सिंगुलर वर्ब नीड्स टू बी प्लेस्ड। यहां देखिए, ईच ऑफिसर एंड ईच मैनेजर, कोई सेंटेंस ईच से स्टार्ट हो तो उसके बाद आर नहीं ईज बैठेगा, सिंगुलर वर्ब बैठेगा। सो द सेंटेंस इज, ईच ऑफिसर एंड ईच मैनेजर इज इनवाइटेड। अब ये सेंटेंस को अच्छे से देखिए। द ड्यूटी ऑफ एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल डैश टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। अब बताइए यहाँ पे इज बैठेगा या आर बैठेगा। ये एग्जाम्पल भी एकदम लास्ट वाले एग्जाम्पल के जैसे ईच हो या एवरी हो। एवरी गर्ल्स, एवरी बॉयज कभी मत बोलना। जब एवरी एवरी हो, ईच ईच हो तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब बैठेगा। सो सेंटेंस विल बी, द ड्यूटी ऑफ एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। अब चलते हैं हमारे रूल नंबर फोर के ऊपर, लेट्स गो। अब चलेंगे रूल नंबर फोर पे, लेकिन उसके पहले आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, लिख लीजिए। ब्रेड एंड बटर ब्लैंक माई फेवरेट। क्या होगा आंसर? इज माई फेवरेट और आर माई फेवरेट। दोस्तों, एज पर इंग्लिश ग्रामर, अगर आप इज लिखोगे तो उसका मतलब ये है कि ब्रेड में बटर लग चुका है, और अगर आप आर यूज करोगे तो इसका मतलब है कि ब्रेड भी अलग है और बटर भी अलग है। ये है रूल नंबर फोर। चलिए स्क्रीन देखते हैं। इफ एनी रिलेटेड पेयर ऑफ सिंगुलर नाउन्स जॉइंड विद एंड टू एक्सप्रेस समथिंग अबाउट अ पर्सन थिंग और एक्सप्रेशन, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। सो ब्रेड एंड बटर ये काफी रिलेटेड आइटम है, सब्जेक्ट है जो दोनों से काफी रिलेटेड है। जब दोनों से रिलेटेड हो तो इज माई फेवरेट राइट आंसर होगा, और अगर दोनों अलग अलग हैं, रिलेटेड नहीं हैं, या रिलेटेड हैं लेकिन अलग अलग हैं, दोनों केस में आप आर लगा सकते हो। अब ये सेंटेंस को अच्छे से देखिए। यू एज वेल एज योर ब्रदर डैश दैट इज ब्लैंक एब्सेंट यस्टरडे। क्या होगा यहाँ पे? वॉज होगा या वर होगा? सोचिए। द राइट आंसर इज, यू एज वेल एज योर ब्रदर वर एब्सेंट यस्टरडे। सो रूल नंबर फाइव सेज, इफ टू नाउन्स और प्रोनाउन्स आर जॉइंड विद एज वेल एज, देन द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन गिवन इन द फर्स्ट केस इन द सेंटेंस। यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है? द फर्स्ट केस इज यू। सो यू के साथ क्या लगता है? वर्ब। सो दोस्तों, कभी भी अगर एज वेल एज आता है तो हमेशा देखिएगा जो सबसे पहला सब्जेक्ट कौन है। पहला सब्जेक्ट अगर यू है, सो यू के हिसाब से जो वर्ब होता है वो लगेगा। दोस्तों, ग्रामर में ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, जितने हम रूल्स को जानेंगे हम उतने ग्रामर के करीब आ पाएंगे और इंग्लिश सेंटेंस को एकदम प्रोफिशिएंटली बोलेंगे। और अगर आप सच में चाहते हो कि ये रूल्स को आप इजी तरीके से सीखो, मैं हेल्प करूंगा आपको। आपने जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा एंड बेल आइकन को हिट जरूर किया होगा ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, इंग्लिश कम्युनिकेशन इज अ स्मार्ट लैंग्वेज, और इसको और स्मार्ट तरीके से सीखने के लिए आप मेरे इस वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए, ChatGPT। जी हाँ दोस्तों, ChatGPT के जरिए आप इंग्लिश बोलना कैसे सीखोगे? Go and watch right now.